हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैकनेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरा ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। तो इस डिज़ाइन को आप किसी भी कपड़े के साथ तैयार कर सकते हैं और ये बोट नेक के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम। तो बहुत ही सिंपल और ईजी नेक डिज़ाइन है ये। देखिए, सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने हिसाब से मेज़रमेंट लीजिएगा। बोट नेक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मेज़रमेंट लेना है। तो सबसे पहले हम टोटल लेंथ रखेंगे। टोटल लेंथ हमें रखनी है 14 इंच। 13 इंच लेंथ में यहाँ पर तैयार रखूँगी। आपको जितनी भी लेंथ तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। 34 साइज़ में, 34 साइज़ में बोट नेक के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर रखने हैं 7 इंच और आर्म होल लेने हैं 7 इंच। शोल्डर एंड आर्म होल रखे हैं 7 इंच। इस तरीके से मार्किंग करेंगे। अब हम चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पर ले लेंगे। चौथा भाग होगा 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप 2 इंच का भी रख सकते हैं। आर्म होल की गोलाई हमें 1 इंच पर देनी है बैक पार्ट की बोट नेक में। 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन कर देंगे। कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर है 28 इंच, उसका 4th पैट होगा 7 इंच, 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है मैंने कमर की प्लेट्स के लिए। तो देखिए, मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और अब हमने इसे कट करना है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे इसकी कटिंग। ये देखिए, ये पट्टी मैं कट करके अलग रख रही हूँ और ये पट्टी हमें कमर पट्टी लगाने में काम आएगी। इसके बाद हमें इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट करना है। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है और इस पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद हम गले का मेज़रमेंट यहाँ पर लेंगे। तो गले का जो मेज़रमेंट है, देखिए नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 4 इंच और नेक की जो लेंथ रहेगी वो 2.5 इंच आएगी बोट नेक के अकॉर्डिंग। ऊपर हमें एक छोटा गला बनाना है। शेप आपको बोट नेक के हिसाब से देना है। 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ पर विड्थ मिलेंगे हम 4 इंच। तो ये जो नीचे वाला डिज़ाइन बनेगा, टोटल लेंथ मैंने रखी है 11 इंच, यहाँ से भी 4 इंच पर हम एक बॉक्स बना लेंगे। तो ये जो नीचे वाला डिज़ाइन रहेगा वो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं इसे मीडियम साइज़ में बना रही हूँ, मतलब ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, हमें इस तरीके से एक शेप यहाँ पर बना लेना है। उसके बाद 2 सर्कल हम यहाँ पर इस तरीके से राउंड में बना लेंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर बनेगा ये नेक डिज़ाइन। तो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद देखिए, हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और पेपर पेस्टिंग के ऊपर हम इसे इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो पेपर पेस्टिंग को सेंटर से आपको खोल कर यहाँ पर रख लेना है। इसके बाद एज इट इज़ आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए इस तरीके से। तो ये जो तरीका है, ये बहुत ही आसान तरीका है और मैं अपने वीडियोस में अलग अलग तरीके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पेपर पेस्टिंग लगाने के, क्योंकि कई लोग होते हैं जिन्हें पेपर पेस्टिंग यूज़ करना काफ़ी टफ़ लगता है। तो अलग अलग तरीके मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि जो तरीका आपको ईजी लगे आप उस तरीके से पेपर पेस्टिंग लगा सकते हैं। पर आप अपने ब्लाउज़ में पेपर पेस्टिंग ज़रूर लगाया करें, इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर आप कस्टमर के भी ब्लाउज़ बना रहे हैं तो उसमें आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ ज़रूर करें। यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरीके से मार्किंग कर दी है। दूसरी तरफ भी डबल फोल्ड कीजिएगा। दूसरी तरफ मार्किंग करने के बाद हम साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे। और ऊपर वाला जो नेक है उसमें आप देखिए, यहाँ पर उरेप पट्टी का यूज़ भी कर सकते हैं और पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं। तो देखिए, ये वाला नेक हमने यहाँ पर कट कर लिया है और इस पर पिन लगा लेंगे। इसे साइड में रखेंगे, ऊपर वाला नेक कटिंग करेंगे। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके लेंगे और गले की चौड़ाई रखी है 4 इंच। गले की लंबाई ऊपर के लिए हमने 2.5 इंच पर लिया है। बोट नेक का शेप दे देंगे। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लेंगे और इसकी कटिंग हमें इस तरीके से यहाँ पर कर लेनी है। तो देखिए, आप लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं कि पेपर पेस्टिंग यूज़ करें या बुकरम यूज़ करें। तो मैं आपको बताऊँगी कि देखिए, यहाँ पर आप जब ब्लाउज़ बनाते हैं तो ब्लाउज़ में आपको यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है, बुकरम का यूज़ नहीं करना है। बुकरम थोड़ा हार्ड रहता है और ये पेपर पेस्टिंग जो होता है वो सॉफ्ट होता है। तो जहाँ से आप सिलाई का सामान परचेस करते हैं वहाँ पर आप इसे पेपर पेस्टिंग बोलकर परचेस कर सकते हैं। कई लोग इसे कैनवास भी बोलते हैं।
तो ये बहुत ही आसान तरीके से देखिए आपको मिल जाता है सिलाई की शॉप पर और जहाँ पर टेलरिंग का सामान मिलता है। तो मेरे पास, मैं इसलिए आप लोगों को ये बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे आते हैं पेपर पेस्टिंग और बुकरम के लिए कि क्या होता है ये। तो ये जो सॉफ्ट वाला यहाँ पर ये आता है, वाइट कलर का आता है ये, तो इसे हम पेपर पेस्टिंग कहते हैं जो ब्लाउज़ में और स्लीव्स डिज़ाइन में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप कुर्ती में लगाना चाहते हैं तो फिर आप बुकरम लीजिएगा, वो कुर्ती के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। ब्लाउज़ में आप पेपर पेस्टिंग का ही यूज़ करें, ये लगाने में काफ़ी इजी रहता है। ये देखिए यहाँ पर हमने गले को चारों तरफ से सिलाई लगा दी है। सेंटर से कपड़े को कट करना है, एक छोटा कट लगाने के बाद सेंटर मार्किंग करेंगे और ये वाला जो पैटर्न है इसका भी हम सेंटर मार्क कर लेंगे। तो हमारा जो ऊपर और नीचे का नेक है वो यहाँ पर देखिए रेडी हो जाएगा इस तरीके से। दोनों पैटर्न का आपको सेंटर मार्क कर लेना है। ब्लाउज़ को अब हम यहाँ पर लेंगे और चारों तरफ से इसे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले आप यहाँ पर पिन लगाइएगा इस तरीके से और चारों तरफ से सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें इसे चारों तरफ से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर देना है। ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे कर दिया है कंप्लीट और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है वो हमने कटिंग करके निकाल देना है। इस तरीके से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके यहाँ पर निकाल देंगे और अब हम अपना ब्लाउज़ का फैब्रिक डबल फोल्ड करेंगे यहाँ पर। और देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करके आपको रखना है, सेंटर में मार्किंग करनी है और इस तरीके से। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम ऊपर वाला गला लेंगे सबसे पहले और इसका सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए एक पिन लगा लेंगे। आप रफ स्टिच भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, एक कॉर्नर की सिलाई लगानी है पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए। ये देखिए इस तरीके से पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए हम एक कॉर्नर की सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देंगे इस तरीके से। और एक सिलाई हम अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले कपड़े पर लगा लेंगे। इसके बाद अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग से लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगा लेनी है। ये सिलाई आप कॉर्नर की लगाइएगा। तो ऊपर वाला नेक आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन गया है। 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है आपको, 1.5 से 2 इंच भी आप ले सकते हैं। फिर से इसे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अच्छे से सेंटर में कट लगाएंगे और सेंटर में मार्किंग करेंगे। चौक से सीधी सीधी मार्किंग आपको इस तरीके से कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग दोनों मिलाते हुए अच्छे से यहाँ पर हम पिन लगाएंगे। तो पिन लगाकर पेपर पेस्टिंग और इसे अटैच कर देना है आपको। तो पेपर पेस्टिंग को मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया था, आप सिलाई भी लगा सकते हैं इसे कपड़े के साथ अटैच करने के लिए। और अब हमने यहाँ पर गले के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है। तो आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं बस उसी डिज़ाइन के ऊपर आपको मशीन चलानी है इस तरीके से। गले का जो शेप है वो शेप बनाते हुए हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो पूरा नेक हमने देखिए सिलाई लगाकर कंप्लीट कर दिया है और अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। तो पहले आपको सेंटर में एक छोटा कट लगाना है, फिर कपड़े को कट करना है। एक पैर का मार्जिन ले यहाँ पर छोड़ते हुए आपको फैब्रिक को कट करना है। एकदम कॉर्नर से भी कट नहीं करना है, सिर्फ एक पैर का मार्जिन छोड़ना है और पूरा फैब्रिक कट करना है। अब पूरे ही पैटर्न पे हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरे ही पैटर्न पे हमने कट लगा लेने हैं। ये कट लगाने से जो गला है वो अच्छे से पलटेगा और ये जो कॉर्नर्स बने हुए हैं वहाँ पर कट आप अच्छे से लगाइएगा, तभी ये जो गला है वो फिनिशिंग के साथ पलटेगा। कपड़े को बाहर की तरफ निकालते हुए हमें इसे पलटकर सीधा कर लेना है इस तरीके से। गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गला हमारा फिनिशिंग के साथ बन गया है और अब इस पर सिलाई लगाएंगे। तो एक कॉर्नर की सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे। कपड़े को अच्छे से बाहर की तरफ निकालते हुए अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए और एक कॉर्नर की सिलाई हमें यहाँ पर लगा लेनी है।
अगर आप चाहें तो सेंटर में यहाँ पर कोई फैब्रिक लटकन बनाकर भी आप अटैच कर सकते हैं, रेडीमेड लटकन भी लगा सकते हैं। सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है और अब हम सेंटर से कपड़े को फोल्ड करेंगे। 4 इंच की लंबाई में हमें यहाँ पर प्लेट्स डाल देनी है। दोनों ही तरफ हम इसी तरीके से प्लेट्स लगाएंगे। इसके बाद लगाएंगे हम नीचे की तरफ कमर पट्टी। कमर पट्टी की चौड़ाई लगभग मैंने 1.5 इंच ली थी और इसे मैंने एक तरफ से फोल्ड कर दिया है। नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच करेंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कमर पट्टी को फोल्ड कर दिया है। तो ये पैटर्न हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इस पर हम लेस लगा लेंगे। लेस आप देखिए इस तरीके से बाहर की तरफ से भी लगा सकते हैं और अंदर की तरफ से भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ट्रायंगल्स दिखाते हुए लेस को इस तरीके से लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर तो इस तरीके से हम यहाँ पर लेस को अटैच करेंगे। लेस लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है नीचे वाले नेक पर और अब हमने ऊपर वाले नेक पर लेस को अटैच करना है। तो ऊपर भी मैं इसी तरीके से इसे अंदर की तरफ से ही अटैच कर रही हूँ। सिर्फ ये जो डिज़ाइन बनी हुई है वही दिखेगी यहाँ पर, बाकी लेस अंदर की तरफ रहेगी। तो ये डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।